गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लास्ट क्लास में इंग्लिश की हमने पेज नंबर 53 तक किया था. उसमें क्या था, मैंने आपको पोयम का एक्सप्लेनेशन बता दिया था और आपसे न्यू वर्ड्स करने के लिए बोला था. सो आई होप कि न्यू वर्ड्स आपने जो है वो अपनी कॉपी में कर लिए होंगे. तो अब देखो, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे मैरी गो राउंड पोयम की. तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो. मैरी गो राउंड जो झूला है वो किस तरह से चलता है, गो मतलब किस तरह से चलता है. तो कैसे चलता है मैरी, यहाँ पे हमने पोयम में पढ़ा था, देखो ये वाली लाइन थी हमारी, आई क्लाइम्ड अप ऑन द मैरी गो राउंड एंड इट वेंट राउंड एंड राउंड. कैसे चलता है मैरी गो राउंड, राउंड एंड राउंड यानी कि गोल गोल. तो आंसर आपको लिखना है इसका राउंड एंड राउंड. हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो, राउंड एंड राउंड, गोल गोल. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो. अब जो बिग ब्राउन हॉर्स है वो किस तरीके से चलता है. तो देखो यहाँ पे सेकेंड लाइन में लिखा था, आई क्लाइम्ड अप ऑन अ बिग ब्राउन हॉर्स एंड इट वेंट अप एंड डाउन. बिग ब्राउन हॉर्स जो है वो किस तरीके से चलता है, अप एंड डाउन. बिग ब्राउन हॉर्स चलता है अप एंड डाउन. तो आपको आंसर लिखना है अप एंड डाउन. सो फर्स्ट का आंसर आप क्या लिखेंगे, हाउ डिड द मैरी गो राउंड गो, राउंड एंड राउंड, ये इसका आंसर होगा यानी कि गोल गोल. देन सेकंड है, हाउ डिड द बिग ब्राउन हॉर्स गो. बिग ब्राउन हॉर्स जो है वो किस तरीके से चलता है, अप एंड डाउन, ऊपर एंड नीचे. देन नेक्स्ट है, हैव यू सीन अ मैरी गो राउंड. क्या आपने कभी मैरी गो राउंड देखा है. अगर देखा है तो यस, अगर नहीं देखा है तो नो. देन वेयर हैव यू सीन इट. अगर देखा है तो कहाँ पे देखा है. तो अब आपने देखा ही होगा वैसे तो, अगर देखा है तो जहाँ तक उसको मेले में देखा होगा, जब मेले वगैरह में जाओ, फेयर वगैरह में जाओ, तो वहाँ पे जनरली मैरी गो राउंड वाला झूला जो है वो होता है बच्चों के लिए. देन वुड यू लाइक टू गो टू अ फेयर. क्या आप मेले में जाना चाहते हो. हाँ बिल्कुल जाना चाहते होगे, क्योंकि मेले में तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो वो सब बच्चों को पसंद होती हैं, तो आपको भी पसंद होगी तो आप भी मेले में ज़रूर जाना चाहते होगे. देन नेक्स्ट है, लेट्स शेयर. लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्क्राइब द फेयर. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, आपको इसको देखना है. और इस फेयर के यहाँ पे देखो एक मेले का सीन है, फेयर का सीन है, और हमें टॉक अबाउट द थिंग्स यू एंजॉय एट अ फेयर. तो हमें इस पिक्चर के इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है और बात करनी है कि आप जब मेले में जाते हो तो आपको किस तरीके की चीज़ें, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पसंद आती हैं. तो देखो जैसे पिक्चर में क्या है कि एक बैलून मैन है पिक्चर में. दिस पिक्चर ऑफ अ फेयर. ये एक पिक्चर जो है वो एक मेले की पिक्चर है. देन द फेयर इज़ हैविंग मैरी गो राउंड. मैरी गो राउंड झूला भी है, देखो उसमें बच्चे झूल रहे हैं, दो बच्चे झूल रहे हैं मैरी गो राउंड में. देन द फेयर इज़ ऑल्सो हैविंग अ मिनी ट्रेन इन विच द चिल्ड्रन आर राइडिंग. तो जहाँ यहाँ पे जो बच्चे हैं वो देखो वो भी ट्रेन में जो है झूला झूल रहे हैं, ट्रेन वाला झूला झूल रहे हैं. देन देर इज़ अ टॉय शॉप ऑल्सो, सम चिल्ड्रन आर बाइंग टॉयज देयर. तो यहाँ पे जो टॉय शॉप है वहाँ पे कुछ बच्चे खिलौने भी खरीद रहे हैं. देन देर इज़ अ बैलून मैन, देर इज़ अ बैलून मैन एंड द चिल्ड्रन आर वॉन्टिंग बैलून फ्रॉम द बैलून मैन. तो जो बैलून मैन है उससे भी बच्चे देखो बैलून जो है वो खरीदने के लिए खड़े हैं. तो मेले में क्या क्या है, मेले में एक छोटी ट्रेन है जिसमें बच्चे घूम रहे हैं, मैरी गो राउंड है, टॉय शॉप है, बैलून मैन है, और बच्चे जो है बहुत सारा मज़ा कर रहे हैं. द चिल्ड्रन आर रियली इंजॉइंग एट द फेयर. तो इस तरह से आपको इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना था कि इस मेले में क्या क्या हो रहा है. देन देखो यहाँ पे नेक्स्ट है ये वाला पेज, पेज नंबर 55. गो राउंड द मैरी गो राउंड, सर्कल द लेटर्स एंड से देम अलाउड. तो हमें मैरी गो राउंड के साथ साथ चलना है जैसे वो चलता है. और यहाँ पे देखो आपकी ए बी सी डी दी हुई है, तो आपको क्या करना है, एक एक लेटर बोलना है और उसको सर्कल करना है. तो ये आपका होमवर्क है, मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है इसमें, और उसके बाद आप खुद करेंगे. तो जैसे कि हम ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी डी, तो हमने ए बोला, जैसे मैंने ए बोला तो ए, और फिर ए को ऐसे सर्कल कर देना है, बी बी को ऐसे सर्कल कर देना है, सी सी को ऐसे सर्कल कर देना है, डी डी को सर्कल कर देना है. तो इसी तरह से आपको जेड तक के सारे लेटर्स बोलने हैं और उन्हें सर्कल करते जाना है, यही इसमें करना है. तो ये वाला पेज आपको होमवर्क में करना है, अपनी बुक में इस तरह से इसको कीजिएगा.
तो और क्वेश्चन आंसर जैसे मैंने बताए हैं वैसे। तो आज की क्लास बस हम यहीं ख़त्म करते हैं, ये दोनों पेज, पेज नंबर 54 एंड पेज नंबर 55 आप कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।